Dharma, tum? अरे मजा आ गया ना डीसीपी खान। अरे जिंदगी में कभी इतने सारे नोट देखे भी हैं? धर्मा मैं कहता हूँ तुम। अरे खान मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, लेकिन खून की इस गर्मी को वर्दी से अलग ही रहने दो। वर्दी को तो ठंडा रहने दो, क्योंकि सारी दुनिया की ठंडक पैसा है, पैसा। धर्मा काले धंधे करके देश को बर्बाद करने वाले तुम जैसे कमीने मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। क्या बात है डैडी, कौन है ये? बेगम सिकंदर को लेकर अंदर जाओ। चलो बेटे। बड़ा प्यारा बच्चा है। तुम अपने मतलब की बात करो। अरे मतलब की बात ये है कि जो डायलॉग अभी अभी आपने कहे ना, वो सिनेमा या नाटक के लिए ठीक हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत ये है कि जिन वफादार हवलदारों की गवाही पर तुम उछल रहे हो ना, उन दोनों को मैंने वन रूम किचन का फ्लैट देकर खरीद लिया है। अब तुम्हारा मुंह बंद करने आया हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये फंक्शन पास प्लीज उन जाबाज देशभक्त पुलिस ऑफिसरों की शान में रखा गया है जिन्होंने मुजरिमों के तन से जुर्म के चोलों को उतार कर ओ, प्रेस, उन्हें जेलों की पोशाक में लपेट दिया था या फिर कफन में। इनाम पाने वाले ऑफिसरों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है डीसीपी ए खान। डैडी। डीसीपी खान प्लीज कम ऑन द स्टेज। डैडी। अब मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीसीपी खान को गोल्ड मेडल पहनाए। बेटा परसों से यहां रहते रहते मैंने इतने आंसू देखे हैं कि उन्हें जमा करता तो एक समंदर बन जाता, लेकिन आंसुओं का यह सारा समंदर मिलकर भी एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर पाता। पोंछ डाल ये आंसू। चाचा मेरे अम्मी और अब्बू मुझे छोड़कर चले गए। चाचा ये सारा खेल मिट्टी का है बेटा, आदमी इसी मिट्टी से बनता है, इसी पर जीता है, इसी के लिए लड़ता है और आखिर में इसी मिट्टी में मिल जाता है। देख ये देख, यहां से वहां तक ये मिट्टी के ढेर, इनके नीचे कौन कौन नहीं सोया, मगर एक दिन ये सब अपनी कब्रों से उठेंगे, जरूर उठेंगे। हम चाहेंगे तब नहीं जब वो चाहेगा, परवरदिगारे आलम, रोज़े महशर के दिन जब दुनिया फना हो जाएगी तभी सब जाग जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं जागेगा, कोई नहीं। जा बेटा घर जा। चाचा अब्बू नहीं रहे, अब तो पुलिस वाले घर भी छीन लेंगे, मैं अकेला रह गया हूं। ये मतलब परस दुनिया है बेटा, यहां कोई किसी का नहीं। 12 साल की उम्र में मैं भी बेघर हो गया था, यूं ही अपने मां बाप की कब्र पर बैठकर रोया था। अब तू भी अकेला जीना सीख, हालात से लड़ना सीख, मुकद्दर से छीनना सीख,
मौजों से टकराना सीख।
खुश रहो रजनी, अब तो हमें जिंदगी भर वर्दियां ही देखनी पड़ेंगी, एक कस्टम वाले की और एक पुलिस वाले की। क्यों भाभी, पुलिस और कस्टम वालों का साथ तो चोली दामन का होता है, कभी ना टूटने वाला। क्यों भैया? बिल्कुल सही, जीते रहो। अरे यार, इतना इमोशनल तो मैं भी नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें अपनी बहन दी थी, है? और फिर संगीता भी तो हमारे दिल का टुकड़ा है, फिर तू आज इतना इमोशनल कैसे हो गया? अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं हुई। हाँ यार, जब तक कोई चीज अपने पास ही हो तो उसके होने का एहसास नहीं होता, जब वो दूर होने लगती है तब वो एहसास जाग उठता है। आज मैं बहुत मूड में हूँ, पूछ क्यों? क्यों? कल मैं तेरा साला बना था, आज तू भी गौतम का साला हो गया। साले, इस बात पे मिला ले हाथ। एक मिनट। हेलो भारत श्रीवास्तव। जय हो सरकार, जय हो जी। आपकी तारीफ। अपुन ये शहर का पुराना चावल बोलता। पुराना चावल? आओ, पुराना चावल। अरे सरकार, शिकारी ब्रदर्स का नाम तो सुने ही होंगे आपने, स्वर्गवासी धर्मा शिकारी, तेजा शिकारी और मैं पप्पू शिकारी। सिर्फ इतने ही शिकारी हैं या और भी हैं? है ना, दो शिकारी और हैं, तीनू शिकारी और सबसे छोटा चीनू शिकारी। अच्छा, तो मिस्टर शिकारी बेकार की खिचड़ी क्यों पका रहे हो आप? काम की बात करो ना। बोझ करने को तो फोन किया अपुन। अभी काम का बात सुनो। मिस्टर भारत श्रीवास्तव, तुम ये शहर में नवा नवा सीनियर कस्टम ऑफिसर बनकर आया है और अपुन शिकारी लोग ये शहर का बहुत पुराना चावल। समझा क्या? अच्छा अच्छा, समझा समझा। जब भी मेरा तबादला किसी नए शहर में होता है तो आप जैसा कोई ना कोई कदरदान मिल ही जाता है। वैसे पुराने चावल मुझे भी बहुत पसंद हैं, मैं तो चबाता भी नहीं हूँ, सीधा निगल जाता हूँ। बोलो करना क्या है? बताता मैं, अभी बताता। बरोबर सुनने का भारत जी, कल शाम को ठीक 5 बजे होटल होराइजन के स्विमिंग पूल पे पहुंचने का, खिचड़ी पुलाव बिरयानी सब उधर पकाएंगे। जय हो सरकार, जय हो। धूप ले रहे हैं। शिकारी ब्रदर्स की आंखें भी शिकार को ढूंढ ही लेती हैं। अरे सरकार, जिस तरह कस्टम और पुलिस वालों की नजरें गुनहगार को पहचान लेती हैं, उसी तरह हम दो नंबर वालों की नजरें आप जैसे ऑफिसर को पहचान लेती हैं। वैसे आप खुद समझदार हैं, वरना इस तरह खुलेआम। मैं जो भी करता हूँ खुलेआम, उसी में मजा है, धंधे में डरना क्या। अच्छा बताइए, माल कब और कहाँ इंपोर्ट होगा? कल रात, वही मझगांव डाक पर, जहाँ के आप ऑफिस इंचार्ज हैं। और मेरा माल मेरे पास कब इंपोर्ट होगा? देखिए सरकार, हम शिकारी ब्रदर्स इस धंधे के पुराने चावल, हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट। ये रहे आपके 25 किलो चावल। अपुन का मतलब नोटों से भरेला ये बैग, पूरे 25 लाख, नो बैलेंस। हम लोग आप जैसे ऑफिसर्स पे पूरा भरोसा रखते हैं। देखो रजनी, मैंने तुम्हें अपनाया, इस घर से रिश्ता जोड़ा सिर्फ तुम लोगों की शराफत और ईमानदारी को देखकर, मगर अब वो शराफत की चादर चल चुकी है। डीआईजी अमरनाथ श्रीवास्तव का बेटा भारत श्रीवास्तव, सीनियर कस्टम ऑफिसर, इतना बड़ा नाम सुना था, लेकिन आज जो इन आंखों ने देखा ना, उससे यकीन नहीं आता कि एक लो, आ गए तुम्हारे भैया। बैग भी हाथ में है, वो भी वर्दी के साथ। क्या बात है गौतम, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, वजह खुद ब खुद जान जाएंगे।
देखो गौतम, तुम पुलिस वाले हो और मैं कस्टम्स वाला हूँ। हम दोनों को एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? श्रीवास्तव खानदान के साथ अब मेरा नाम भी जुड़ चुका है और मैं नहीं चाहता कि सफेद वर्दी पर कोई कीचड़ उछाले और दाग मेरी खाकी वर्दी पर भी लगे। नहीं गौतम, नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। तुमने मुझे अच्छी तरह से पहचाना नहीं। पहचानने के लिए अब रह क्या गया भैया? उफ़ गौतम, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? ये जरा सी बात नहीं है भाभी, आप जानती नहीं भैया ने क्या किया है। जानती हूँ, सब जानती हूँ, ये तो इनकी आदत है। क्या? किसी से अपना फर्ज, अपनी वर्दी को बेचकर अपने देश से गद्दारी करना इनकी आदत है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे रहने वाला हर इंसान रिश्वत की रोटियां तोड़ता है। बेईमानी अब इस घर का धर्म बन चुकी है। गौतम, तुम कुछ सुनोगे भी या सिर्फ बोलते रहोगे? सुनने के लिए बचा क्या है भारत श्रीवास्तव? जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों ने इंसानों को पहचानने में धोखा खाया है, लेकिन अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही ऊपर वाले ने मेरी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को खोल दिया। जय हो सरकार, जय हो, जय हो। सच्ची बोलता हूँ भाई, हम शिकारी प्रदेश इस धंधे में कई सालों से हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा डेयरिंग ऑफिसर देखा है। वर्दी, ये शराब और डॉक में बैठे बैठे बेईमानी। मान गए सरकार, मान गए। लगता है कि आपकी और हमारी खूब जमेगी। हिलाइए। मिस्टर पप्पू शिकारी, दोस्ती या दुश्मनी, जब तक जम के ना हो मजा नहीं आता। नहीं सरकार, नहीं, दुश्मनी की तो बात ही मत कीजिए। नहीं, भगवान करे हमारी और आपकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। लेकिन अच्छे काम को नजर तो लगती है पप्पू साहब। ये देखिए क्या है भैया, ये तो 25 लाख की सरकारी रसीद है। हाँ, ये उसी 25 लाख के काले धन की सरकारी रसीद है जो तुमने मुझे दिया था। लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे घर के लिए दिए थे, इसे ये सरकारी खजाने में क्यों जमा करा दिए? वो इसलिए मिस्टर पप्पू शिकारी कि यही मेरा स्टाइल है। तुम जैसे पुराने चावल को मैं बिना चबाए निगल जाता हूँ। तुम जैसे गद्दारों और देशद्रोहियों ने इस वर्दी को इतना सस्ता समझ रखा है, अब मैं तुम्हें तो क्या, तुम जैसे सारे गद्दारों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वर्दी को दोबारा खरीदने से पहले 100 दफा सोचोगे। आज से शिकारी ब्रदर्स का खेल खत्म। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या पप्पू साहब, आप? हाँ, मैं ये ऑफिसर को समझाता हूँ। समझा इसको मालूम नहीं किसके साथ पंगा लेता ये। बोल इसको, बता कौन मैं, बता। अरे ये क्या बताएगा जिसके खून से ही बेईमानी और गद्दारी की बू आ रही हो। तावड़े, बंद कर दो इसे। मगर सर, रिपोर्ट में लिखूं क्या? सर, आखिर इनका जुर्म क्या है? बाहर जाके देखो, कोकेन से भरा टेम्पो इसके जुर्म का सबूत है। एंड मिस्टर तावड़े, आइंदा याद रहे कि ये कस्टम्स दफ्तर है, कैंटीन नहीं। नाश्ता अगर करना है तो नीचे कैंटीन में जाके करो। आज के बाद
इस दफ्तर में वही रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे जो सरकार ने इस डिपार्टमेंट के लिए बनाए हैं, याद रहे। और दारू पीकर ड्यूटी करने का रूल्स भी सरकार ने बनाया है, क्यों सर? जरा देखिए आपके मुंह से कितनी बदबू आ रही है। हाँ दौड़े, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाती तो आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। नाउ सिट डाउन। आइए आइए इंस्पेक्टर गौतम यादव, आप भी पीछा करते करते यहां तक पहुंच गए। देख ली इस वर्दी की हकीकत और उस नोटों से भरे बैग की असलियत? यही है वो जिन्होंने मुझे 25 लाख के नोटों से भरा हुआ बैग दिया था। पुराने चावल को यूं कच्चा चबा जाना मेरी स्टाइल है। भैया भैया I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। गौतम आइंदा सच्चे इंसान को पहचानने में धोखा मत खाना। याद रखना कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात भी झूठ हो सकती है। जो अंधविश्वास की पट्टी तुमने अपनी आंखों से उतार दी उसे वापस बांध लो, क्योंकि हमारे घर में रहने वाला हर इंसान ईमानदारी की रोटी खाता है और ईमानदारी ही हमारा धर्म है। हरामजादे ने हमें डबल क्रॉस किया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर देंगे उसे हम। अरे ना भाई ना, उसको मारेंगे ना तो ये केस और बिगड़ जाएगा। असू भाई, पप्पू किसी भी कीमत पर छूटना चाहिए, समझे? अरे ओ काले कोट वाले साहब, कानून को डस लो, जहर को जहरी मारता है, अंडरस्टैंड? इस केस को इतना उलझा दो कि कानून खुद उलझ के रह जाए और हमारा भाई छूट जाए। अरे छुट्टी जैसे चीनू भाई, छुट्टी जैसे। तुम्हें जरा धीरे जाको ना, जब ये सारे कानूनी पैंतरे फेल हो जाते हैं ना, तब ये हंसू भाई एक कच इलाज अजमाता है, अने इलाज का नाम है सिकंदर दवाई। देखो सलीम, मेरा नाम है सिकंदर खान, लोग मुझे प्यार से सिकंदर दवाई कहते हैं, क्योंकि मेरे पास हर मर्ज की दवा है। झूठ को सच, सच को झूठ साबित करना मेरा पेशा है। हर मुजरिम मुझे सब कुछ सच बता के चला जाता है। बताओ तुमने किया क्या था? बलात्कार। लड़की कितने साल की थी, शादीशुदा या कुंवारी? कुंवारी, करीब 17 साल की। 17 यानी खतरा, गए 7 साल के लिए अंदर। अगर मुझे सजा काटनी होती तो तेरे पास क्यों आता? चुप। अबू चाचा सब्जी लेने गए हुए हैं, उनके आने से पहले सब कुछ सच से बता दे, बलात्कार कहाँ और किस वक्त किया था। अरे कमाल है, ये वकील की तरह सवाल पूछे जा रहा है तू? सजा भुगतनी है? नहीं तो मेरे हर सवाल का सच सच जवाब दे। बलात्कार खेरवाड़े की झोपड़पट्टी में किया, रात को 10:30 बजे। लड़की का नाम? नाम क्या नाम था? हाँ चंपा। ये हुई ना बात, यानी कि चंपा नाम की 17 साल की कुंवारी लड़की का बलात्कार खेरवाड़ी के एक झोपड़े में तुमने 10:30 बजे किया। अरे यार कितनी बार पूछेगा तू, किया किया किया? वो इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तेरी हर बात यहाँ रिकॉर्ड हो जाए और कानून तुझे सजा दे। हा? क्या मतलब? सलीम कुत्ते, वो कहावत तो सुनी होगी, शहर की जब मौत आती है तो गीदड़ की तरह भागता है। अबे तो उल्टी कहावत बोलता है, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरह भागता है। वही तो, समझ गया ना मतलब? तू समझ गया ना? बस तेरी भी हालत वो गीदड़ जैसी होने वाली है। ए सिकंदर, क्या बोलना चाहता है तू? हाँ अबे सलीम कुत्ते, मैं सिकंदर दवाई देता हूँ, झूठी दवाई, लेकिन अपने भी कुछ उसूल होते हैं। मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ,
और तूने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी है। मैं तेरे खिलाफ इसके जरिए सच्ची गवाही दूंगा और तुझे सजा दिलवाऊंगा। अब उनका नाम सलीम सूरती है, शकल से शैतान और कर्म से कुत्ता। प्यार से इसलिए लोग मुझे सलीम कुत्ता कहते हैं। कुत्ते का काटा तो इंजेक्शन खाके बच सकता है, लेकिन जब इस सलीम कुत्ता काटता है ना, तो ऊपर वाला भी नहीं बचाता। ला, टेप ला, ला। से टक्कर इंस्पेक्टर साहब, यह है तुम्हारा मुजरिम और ये इसका इकबाल जुर्म। इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही, ये सिकंदर दवाई देगा। योर ऑनर, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि कानून के बड़े बड़े ऑफिसरों ने ही कानून को अपने हाथ का खिलौना बना लिया है। वर्दी का नशा इनके दिमाग पर इस तरह छा जाता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये किसी भी इज्जतदार और निर्दोष आदमी को इस तरह कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पंडित, इन्हें बोलने दीजिए। मिस्टर शाह, यू मे प्रोसीड। सच्ची बातें सबको कड़वी लगती है योर ऑनर, लेकिन अब इस अदालत में मैं एक ऐसे गवाह को पेश करूंगा जो इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, और उस चश्मदीद गवाह का नाम है सिकंदर दवाई। सिकंदर दवाई को अदालत में हाजिर किया जाए। सिकंदर दवाई हाजिर हो। खाला, तू ठीक तो है ना? तेरा पाँव ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर तो कहता है मैं लंगड़ी हो जाऊंगी। फिक्र मत कर, तू चलना शुरू हो जाएगी। फिक्र मत कर तू। ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहो। क्या कहूं और क्या ना कहूं? खैर, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आजकल तो हम गरीबों का जीना ही बेकार हो गया। ये मेरी खाला है जिसने बचपन से मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उस दिन ये कस्टम वाले ऑफिसर ने उस बेकसूर को उड़ा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये क्या कहेगा जज साहब, असली बात जानना हो तो मुझ बदनसीब से सुनिए। वो क्या है कि उस दिन ये शरीफ आदमी सिकंदर के साथ हमारे बस्ती में दवाइयां बांट रहा था कि इतने में ये सफेद वर्दी वाला अफसर शराब के नशे में टुन तेजी से अपनी गाड़ी चलाता हुआ आया और उसकी गाड़ी से अपनी गाड़ी टकरा दी और साथ में मुझे भी उड़ा दिया। उड़ा दिया जज साहब, वो तो अल्लाह ने बड़ा रहम किया, करम किया कि मुझे बचा लिया। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। अरे जज साहब, मैं कट घरे चलते चलते अगर गिर गई तो मुझ गरीब को दोबारा अस्पताल की खटिया पकड़नी पड़ेगी, और वो क्या है कि मुझे ब्लड प्रेशर है और अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो डायबिटीज भी है। डायबिटीज नहीं, डायबिटीज। हाँ वही वही जज साहब, आप समझ गए ना? समझ गए। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि इस केस की हकीकत क्या है। पिछले दिनों जब शहर में प्लेग फैल गया था तो इनकी बस्ती में दवाइयां बांटने के लिए मिस्टर पप्पू शिकारी और मिस्टर सिकंदर
जो कि उस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि सामने से दारू के नशे में धुत भारत श्रीवास्तव अपनी गाड़ी लेकर आए और इनकी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई और बस बन गया केस कोकीन का। योर ऑनर, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। योर ऑनर, सच और झूठ का फैसला करने के लिए मैं एक सवाल भारत श्रीवास्तव के बाजू में बैठे हुए कस्टम ऑफिसर मिस्टर तावड़े से भी पूछना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर तावड़े, जिस दिन भारत श्रीवास्तव पप्पू शिकारी को पकड़कर लाए उस दिन ड्यूटी पर इन्होंने शराब पी रखी थी? यस सर, और मैंने जब इनसे इस मामले में कहा तो इन्होंने ऑफिस में सबके सामने मेरे साथ गाली गलौज की। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ये पॉइंट नोट करने से पहले मेरे भी सारे पॉइंट नोट किए जाएं जज साहब। सबसे पहली बात, मैंने शराब पी जरूर थी लेकिन शराब पीकर गाली नहीं चलाई थी। और दूसरी बात, ना मेरा कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये सारा नाटक झूठ की बुनियाद पर किया जा रहा है। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो कोकेन से भरा हुआ वो बक्सा पूरी अदालत में सबके सामने खुलवाइए। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इजाजत है। पकड़े हुए उस माल के बक्सों में से कोई भी एक बक्सा अदालत में पेश किया जाए। खोलो इसे। इसमें सिर्फ दवाइयां और इंजेक्शन ही है, ये देखिए। देखा ना जज साहब, आ गई ना सच्चाई सबके सामने। ये सच्चाई नहीं है जज साहब, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मैंने पप्पू शिकारी की मदद करने का नाटक करके उसे फंसाया था, लेकिन आज ईमानदारी का नाटक करके खरीदे हुए इन गवाहों के कहने पर इस केस को झूठा साबित कर दिया गया है। और ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। जज साहब, क्या चाहते हैं आप? कि हर वो ऑफिसर जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है उसका कानून पर से भरोसा हट जाए? मिस्टर भारत, तुम कानून की तौहीन कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं तौहीन कर रहा हूं। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठी गवाहियों की बुनियाद पर असली गुनहगार को माफ कर देता है। मैं उस कानून की तौहीन कर रहा हूं जो झूठे सबूतों का सहारा लेकर वर्दी तक को नीचा दिखा सकता है, जो अदालत की आंखों में धूल झोंक कर सच्चे केस को झूठा साबित कर सकता है। मिस्टर श्रीवास्तव, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? कंट्रोल योरसेल्फ, अगर अपने आप को कंट्रोल ना किया होता और अगर वर्दी और कानून ने मेरे हाथ न बांधे हुए होते तो ऐसे गद्दारों को और ऐसे काले कोट वाले सांपों को मैं अदालत में ही जान से मार डालता। मिस्टर भारत श्रीवास्तव, दिस इज लिमिट। लिमिट तो मेरे बर्दाश्त की हो गई है सर। आप फैसला ही सुना सकते हैं ना? सुनाइए, सुनाइए फैसला, ताकि इस झूठ के नाटक पर पर्दा पड़ जाए। सुनाइए फैसला। ऑर्डर, ऑर्डर। हालात और बयान। सिकंदर और हलीमा की गवाही को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर पप्पू शिकारी को बेगुनाह करार करते हुए बाइज्जत बरी करती है और कस्टम ऑफिसर भारत श्रीवास्तव को यह वार्निंग देती है कि वो वर्दी के सहारे कानून को अपने हाथ में ना ले, वरना कानून किसी के साथ भी सख्ती से पेश आ सकता है। अरे मान गए सिकंदर भाई, तमेरी झूठी गवाही को। अरे सचमुच यार, तू तो हर मर्ज की दवा है, पर एक बात मेरी कानूनी खोपड़ी में अभी तक नहीं घुस रही, ये कोकीन के बक्से में दवाइयां कहां से आ गई यार? असु भाई, कोर्ट में आप इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते, ये बात मेरी समझ में आई? नहीं, ठीक उसी तरह ये बात भी तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। अरे बहुत आसान तरीका है, रात को इंस्पेक्टर को मैंने फोड़ डाला, पूरा मामला फिट कर डाला, खत्म। चल अब माल दे, हंस मत। ये ले यार। थैंक यू। इतना सारा माल खुद अकेले हड़प करना चाहता है, मैं अपना हिस्सा तो ले लूं, फिर चलो। अरे छोड़। अरे सिकंदर। अबे सिकंदर भाई, अबे तब मैं जानो नहीं तो मेरी खाला, मैं चलता हूँ। जा जा, चल धुआं निकाल, मुझे जाना है। देता हूँ आराम से। चल चल, देर हो रही है। ये देख 5,000 है। हाँ ठीक है ठीक है, ये ला। ये क्यों?
टैक्सी का किराया क्या मैं पैदल जाऊंगी? हिना बेटी अपनी सहेली की शादी में गई है मेहंदी लगाने, अगर वो मुझसे पहले घर पहुंच गई ना तो वो मां बॉम्ब कर देगी। हाँ ये भी ला। अब ये क्यों? बैसाखी का किराया मेरे लाल। सुन खाला, क्या है? यहाँ मिलिए, ऊपर मत मिलना, मेरी माँ जा। अच्छा चलती हूँ। संगीता के हाथों में ऐसी मेहंदी लगाना कि हाथ ही नहीं आने वाली जिंदगी भी रंगीन हो जाए। अरे सुना है संगीता का होने वाला मियां भी बड़ा रंगीन है। बस यूं समझो संगीता की जिंदगी में तो अब रंग ही रहे। गीता, हाथों में मेहंदी लगाना तो मेरा पेशा है, लेकिन आज संगीता के हाथों में मेहंदी लगाते हुए मुझे जो खुशी हो रही है वो आज तक कभी नहीं हुई। क्यों ना खुशी होगी, तुम जो उसकी खास सहेली हो। मगर हीना एक बात बताओ बेटी, दुनिया भर की लड़कियों की शादी में तुम मेहंदी लगाती हो जी, मगर तुम्हारे हाथ पीले कब होंगे? अरे चाची, इसने तो अपने ख्वाबों का शहजादा पहले से चुन लिया है। हाँ चाची, ये सच बोल रही है। अरे कौन हो तुम, इस तरह मुंह उठाए अंदर चले आए हो? चाची हम लोग दूल्हे के दोस्त हैं, दुल्हन को देखने आए। देखा है ना, इसे कहते हैं प्यार। आ गया ना बारात लेकर। हे राम, कैसा जमाना आ गया। अरे दुल्हे ने अभी तक दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा और तुम लोग आ गए देखने। अरे रे 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 रे, देखने दो इसे। अरे भाई आजकल का जमाना हमारा तुम्हारा नहीं रहा। शादी से पहले हमने तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन सुहाग रात पर जैसे घूंघट खोला मैं डर गया था। तब से डर के मारे आज तक मुंह नहीं खोला। खोलियो ना, जब तक तुम अकेले थे चुप थे, जैसे ही चार मर्दों को देख लिया तब दिखाने लगे मर्दानगी। चाची मैं अरुण के सारे दोस्तों को जानती हूँ, उनमें से कोई भी नहीं है। ए इना, ए, क्यों झूठ बोल रही है? उस दिन भूल गई, तू मैं संगीता और अरुण सब चाइनीज खाने गए थे, बिल मैंने भरा था 525 और 99 पैसे, सिर्फ 99 पैसे तूने भरे थे बस। क्यों क्यों, देखा चाचा कैसे चुप हो गई। इन हसीनों को बहाने बनाना खूब आता है। तुम ठीक कहते हो बेटे, इनके बहाने खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। अच्छा अब तुम भी इन सब के साथ सुर में सुर मिलाने लग गए। अरे छोड़ो इस सुर को, अब तो हम ताल भी मिलाएंगे, हंगामा करेंगे। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। चलो आइए, चलो चलो आओ। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। दीवानों को आते
को आते हैं क्या क्या बहाने क्या क्या बहाने वो स्पीड ब्रेकर वो देख दिखा मुए और झूठे सपने दिखा मेरी भोली भाली भांजी को एक बात याद रखना मुए तू ए खाला मुए में मत बोल समझी ना मेरी खोपड़ी सनक गई अरे मुए खोपड़ी तो मेरी सनक जाती है जब हिना को तेरे साथ इस जनाजे में घूमता हुआ देखती हूँ एक दिन तेरी बातों में आकर पेट की भूख और पैसों की प्यास ने मुझसे झूठी गवाही क्या दिला दी कि मैं आज तक उस चक्की में पिस रही हूँ लेकिन सिकंदर मेरी एक बात याद रखना तू मेरे जीते जीना हिना से तेरी शादी हरगिज़ नहीं होगी हरगिज़ नहीं होगी क्यों क्या खराबी है मुझमें अल्लाह कौन कौन सी खराबियां गिनवाऊं तू तो खराबियों का समुंदर है समुंदर और ये मेरी भोली भाली भांजी है ना तेरे पैर के जल में फंस गई है बेचारी खाला बहुत हो गया नाटक अभी बहुत हो गया सिकंदर दुनिया वालों के लिए कुछ भी हो मगर अपनी हिना के लिए दिल का सिकंदर है मोहब्बत का सिकंदर है हीना मेरी सांसें हैं मेरी धड़कन है मगर मैं पूछती हूँ शादी करके अपने इस दिल की धड़कन को तो रखेगा कहाँ वही नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में घुमाएगा किसमें अपने इस जनाजे में खिलाएगा क्या बासी वड़े पाव और अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ किसी म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में बोल ना अब तू बोलता क्यों नहीं देख सिकंदर हीना मेरे दिल का टुकड़ा है मैं इसकी शादी कराऊंगी तो किसी खाते पीते घराने में तू जैसे आलतू फालतू चलते पुर्जे से नहीं और सुन तू आते इस बुए से तेरा मिलना जुलना बंद नहीं उठ चल जा अंदर जा उठ मैं कहती हूँ मैं भी देखती हूँ तू इससे कैसे मिलती है जा अंदर जा अरे ओ खाला मेरी भी एक बात सुनती जा मेरा नाम है सिकंदर हीना की शादी होगी तो सिर्फ इस सिकंदर के साथ मैं अपने मुकद्दर को ऐसा पलटूंगा तू तो क्या
सारा शहर मुझे मुकद्दर का सिकंदर कहेगा। बड़ा आया, मुकद्दर का सिकंदर बनने वाला। हिना बेटी, क्या तू भी मुझे गलत समझ रही है? अरे ये तो सिकंदर को सीधा करने के लिए नाटक किया है मैंने। हाँ हाँ बेटी, वरना वो मुआ हर बात को हंसी में उड़ा देता था। आज मैंने उसके दिल को इतनी गहरी चोट दी है कि अब तेरे साथ घर बसाने के लिए वो जमीन आसमान भी एक कर देगा। खाला जान। हाँ बेटी, तू अपनी खाला जान को इतना बेरहम समझती है कि वो दो प्यार करने वालों को जुदा कर देगी, बल्कि तेरी मरी हुई माँ को दिया हुआ वचन भी निभाना है मुझे। मैं तेरी शादी सिकंदर से ही करवाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गुड़िया का घर किसी कब्रिस्तान में बसे। लो बाबा तुम्हारा 10 रुपया। क्या आदमी है, लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में आते हैं, सिकंदर दवाई, ये जिंदा आदमी इधर रहता है, सिकंदर दवाई। लोग इलाज कराने के लिए दवा खाने में डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे को कब्रिस्तान में आना पड़ता है तेरे पास। बाबा मेरा इलाज तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है। नी क्या बात है चंदू तुलानी, सुबह सुबह कब्रिस्तान आ गए, मरने का मूड है क्या? अरे बाबा अभी तो जी भर के जिया ही नहीं और तू मरने की बात करता है। अरे इधर तो सब मुर्दे हैं, कौन सुनेगा? नहीं मैं किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूँ, सुपारी सुपारी। अबे तू घोड़े के रेस का दलाल, मारपीट का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे आजकल तो घोड़े के धंधे में भी लाते पड़ती है, वो साला मेरा पैसा खा गया है। कौन? बड़ी साई, पहले तू मुंह तो धोले। अबे अबे क्या करता है तू? अबे बताना यार, सुनना तो कान से है, मुंह से थोड़ी। अरे सिकंदर दवाई, महाकाली का वो दादा है ना, कालू दादा। अरे क्या हुआ बाबा, हाँ कालू का नाम सुनते ही तेरी भी हवा निकल गई? नहीं यार ये बात नहीं है। खैर तू बता बात क्या है? बात बिल्कुल साफ है, पिछली बार डर्बी में उसने घोड़े पे पैसा लगाया था, वो भी टेलीफोन पर, और हार गया। अभी पैसा मांगने जाता हूँ ना तो लंबा लंबा चाकू निकाल के दिखाता है, नई नई पिस्तौल का फोटो दिखाता है, पिछली बार गया था नहीं तो AK-97 दिखाया था। अबे AK-97 नहीं, AK-47। हाँ पीछे 7 तो है ना, काम तो मारने का ही करती है ना। और सिकंदर मेरे को हथियार से बहुत डर लगता है, और फिर पैसे भी तो निकालने हैं, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। पूरा 40,000 का मामला है, मेरे को मालूम है कि ये काम तू ही कर सकता है। बोल चंद्र। हाँ अरे इधर किधर बैठाता है, इधर तो कब्र खुला हुआ है। नहीं चंदू, मरने के बाद सबको यही आना है। हाँ, वो तो है। देख चंदू, हाँ। कालू के पास से पैसे लेना यानी कि शेर के मुंह से बोटी छीनने के बराबर। हाँ। है इस मुश्किल काम के लिए मैं 50% लूंगा। फिफ्टी परसेंट थोड़ा ज्यादा है, नहीं फिर भी चलेगा, आधा माल तो वापस आएगा, लेकिन वो पैसा नहीं देवे ने तो उसका ऐसा हड्डी पसली तोड़ना कि सीधा अस्पताल में जावे, और कम से कम 50,000 रुपए का बिल आवे, मैं समझूंगा मेरा पैसा वसूल हो गया। नहीं ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। एडवांस? क्या बोला? अबे एडवांस निकाल जल्दी, आजकल इधर रखता है नहीं, जेब कचरे बहुत है, बाकी का पैसा काम होने के बाद दूंगा। ठीक है, अब एक काम कर। हाँ। यहाँ से फुटास की गोली ले, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा चलो यहाँ से जाते निकाल। जाता है नहीं? अल्लाह तू करम करना बंदे पे रहम करना, 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 अल्लाह तू करम करना बंदे पे रहम करना। लगता है तूने फिर कोई लफड़े वाला काम हाथ में लिया है। तू तो जानता है ऐसे कामों का अंजाम बुरा ही होता है, बेटा ये लफड़े का धंधा छोड़ क्यों नहीं देता? चाचा एक बात याद रखना, मैं कभी किसी औरत, गरीब, अपाहिज या मजबूर को नहीं लूटता, मैं सिर्फ उन्हें लूटता हूं जो इन सबको लूटते हैं। मगर बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो? चाचा आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चाको मारे साइयां बचा सके ना कोई। हमेशा उल्टी कहावतें बोलता है, चाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आप समझ गए ना? समझ गए ना? मैं चलता हूँ। लेकिन नाश्ता तो करता जा। चाचा नाश्ता तो अब मैं कालू की गोद में बैठ के करूंगा। अरे नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं मिलेगा, मालूम नहीं आज शनिवार है, शनिवार को कालू दादा घर से बाहर निकलता है। चल 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 जल्दी कर, चल 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 जल्दी कर, चल जल्दी जल्दी चल।
बे तू? अबे कोने के बच्चे, ये हुलबाजी किसी और को दिखाना। पहले ये बता, ये कालू का बच्चा मिलेगा कहाँ? हराम ज़्यादा, कालू की बस्ती में आके पूछता है कि कालू दादा कहाँ मिलेगा? खत्म कर दो इसे। जानी पहचानी सी लगती है। आई ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। अच्छा चंदू तू? कालू तू बड़ा चालू निकला बेना। शमशान पहुंचने के बजाय तू इधर आ गया। अरे मेरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी साले पापड़ चोर। अरे बेना चढ़िया, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मेरा पैसा नहीं दिया पापड़ खा के, और ऊपर से मेरे को पिटवाया। झूले लाल की कसम, आज ये हॉस्पिटल के अंदर तेरा बचा कुचा हड्डी है ना, उसको पापड़ की तरह तोड़ डालेगा। लखना लग जय काली जय झूले कमिन सर। आओ संपत, क्या खबर? खबर तो ये है सर कि हथियारों से भरा जहाज इस बार मनोरी लाइन पर उतरने वाला है, और वो भी आज रात को ठीक 2:30 बजे, और उनका कोड है काली रात अच्छी रात। थैंक यू संपत, थैंक यू वेरी मच, और ध्यान रहे ये बात तावड़े के कानों तक ना पहुंचे। डोंट वरी सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो कैप्टन डिमेलो। यस सर, कैप्टन डिमेलो स्पीकिंग। हाँ डिमेलो, मैं भारत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हथियारों से लदा हुआ एक जहाज आज रात मनोरी आइलैंड पहुंच रहा है ठीक 2:30 बजे। प्लीज चेंज द रूट, अपने सारे जहाजों को मनोरी आइलैंड की तरफ ले जाओ। करेक्ट? ओके सर। हेलो कैप्टन सिन्हा। यस सर, कैप्टन डिमेलो स्पीकिंग, फॉलो मी। ओके सर। चक
चकमा दिया तुमने भारत श्रीवास्तव को। अरे वो बेचारा अपनी बोटों के साथ हमारा माल वहाँ ढूंढ रहा होगा और यहाँ हमारा माल अपने टेम्पो में लोड भी हो गया है। अरे सगीर भाई, ले जाओ सारा माल कालीना वाले गोडाउन में। हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे ऑफिसर पे बहुत नाज है। थैंक यू वेरी मच। देखना आने वाले इलेक्शन में धमाके करवा देंगे सारे शहर में। धमाका मैंने किया पप्पू शिकारी, क्योंकि तुम्हारे माल को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। सामने खड़े वर्दी में छुपे गद्दारों को खरीद कर तुम वो माल आसानी से छोड़वा सकते हो, इसलिए आज से हमारी तुम्हारी जंग इसी तरह होगी। आज से तुम्हारा माल समुन्द्र के किनारे उतरेगा तो जरूर, लेकिन गोदाम तक कभी नहीं पहुंचेगा। चालाकी करने की कोशिश मत करना। ये देखो, ये हार तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं लाया हूं, इसमें तुम सब की मौत का सामान है, टाइम बॉम्ब। जिसका रिमोट इंस्पेक्टर गौतम के हाथ में है। कोई भी अपनी जगह से हिला तो कुत्ते की मौत माना जाएगा। संपत, तावड़े, तुम जैसे ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक हो, कलंक। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे गंदे बदन पर इस सफेद वर्दी को देखते हुए। सिर्फ पैसों के लिए अपनी वर्दी और अपने देश को बेचकर जीने से तो मर जाना बेहतर है। अगर तुम्हें इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है तो आइंदा अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने कभी मत आना। कान पके मेरे, उसका नाम सुनते सुनते बाबू बंगाली, अपने सारे आदमी उसके पीछे लगा दो। उसने मेरा माल जलाया, मेरा। कल सुबह तक मैं उसे जिंदा जलता हुआ देखना चाहता हूं। मार मार के सले का हड्डियों का सुरमा बना दो। बम वाला हार पप्पू सेठ के कदमों में डाल के तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, मगर ये बंगाली वो गलती नहीं करेगा। 5 मिनट के बाद ये बम फट जाएगा और तू अपने गाड़ी के साथ जलकर मर जाएगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू अपने आप को बचा लेना, समझा? बस करो, चलो। लाल मुंगी कट। भारत साहब आप और यहां इस हालत में बातें करने का वक्त है। ये हार निकालो, ये हार निकालो, बॉम्ब है इसमें। इंद्र स्वामी जिंदाबाद। काले इंद्र स्वामी जिंदाबाद।
स्वामी जिंदाबाद कालेंद्र बड़ी कालू तेरी बात तो सच निकली। हॉस्पिटल में बैठे बैठे ये कौन सा नया खेल खेला? अरे बाहर तो तेरे भक्तों का हंगामा है हंगामा। ये तू नहीं समझेगा सिंधी पापड़, ये राजनीति है राजनीति। कुछ दिन पहले एक बीमार एमपी को मैंने यूं ही कह दिया कि तू मिनिस्टर बन जाएगा और वो इडियट बन गया कैबिनेट मिनिस्टर। कुवे का बैठना और डाल का टूटना। पूरे पार्लियामेंट में ये बात फैल गई, तब से लोग मुझे स्वामी जी मानने लगे हैं। एक राज की बात बताऊं पापड़, राजनीति में गुंडे और स्वामियों की ज्यादा चलती है। अब देखना, मैं सरकार से मुफ्त में एक जमीन का टुकड़ा लूंगा, नेताओं से चंदा इकट्ठा करके वहां एक बड़ा आलीशान आश्रम बनाऊंगा, बड़े बड़े लोग मुझे मिलने आएंगे। देखते ही देखते मैं रिमोट कंट्रोल बन जाऊंगा। ये देख आ गया नया बकरा। जीते रहो जीते रहो। तुम सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, जीते रहो। कालेंद्र स्वामी जिंदाबाद, 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 कालेंद्र स्वामी जिंदाबाद। नहीं वड़ी सिकंदर तुम, हम तो तुम्हारे घर को ही जा रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गया, रिक्शा का भाड़ा बच गया। नहीं सुटो है ना साईं? बिल्कुल सुटो है। चलो तूने वो कहावत तो सुनी होगी, चोर हेरा फेरी से जाए पर चोरी से ना जाए। अरे बाबा उल्टा बोलता है तू, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। हाँ तू समझ गया ना बस। ए, कहीं तू मेरा माल खाने की तो नहीं सोच रहा ना? साले कालू को मारने का हिसाब बाकी, अभी 10,000 दे देना वरना अस्पताल नजदीक में ही है। अरे बाबा तेरा आना पाई दूध में धो कर दे दूंगा ना, तू घर तो चल फिर देता हूँ ना पैसा, चल ना। अरे बाबा तेरा माल खा के मेरे को मार खाना है क्या? मैं तो कुछ लंबी सोच रहा हूँ कि तू मेरा साथ देवे तो एक ही हाथ में मैं करोड़पति और तू लखपति बन जावे। अरे अरे बाबा इतना ट्रैफिक में ब्रेक काहे को मारा? चंदू यार लाखों की बातें मत किया कर यार, दिल बहुत झटके मारता है। मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गई देख। अच्छा चल जल्दी बता कैसे और कहां लंबा हाथ मारना, जल्दी बता। मेरे ससुर की हवेली एक बिल्डर खरीदना चाहता है, मैंने सारा मामला करोड़ों में फिट किया है लेकिन वो बुड्ढा है नहीं, वो साइन नहीं करता है। थू अबे तू थूकता क्यों साले? हाँ बोलना सीधा करना क्या है? वो बुड्ढा है नहीं, बीमारी का घर है घर, दिन में 20-25 गोलियां खाता है, उसमें एक साइनेट का गोली मिलाने का है, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। ए, थुकना नहीं है? नहीं थुकेगा नहीं, कानला इधर, मैं तेरे को आधा खोखा देगा, 50 लाख रुपया देगा। 50 लाख? हाँ। ऐसा मिला यार ऐसा मिला, अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। मुझे पैसा मिला यार ऐसा मिला, अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। नौकर होंगे चाकर होंगे, बैंकों में अपने लॉकर होंगे, पहनूंगी लंदन की साड़ी। मुझे पैसा मिला यार ऐसा मिला, अब
ऐसा मिला यार ऐसा मिला अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, बड़े बड़े जुर्म करने वाले साफ निकलते हैं। हमने एक बार ट्रैफिक जाम कर दिया, हमको अंदर कर दिया। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। हाँ अरे बाबा, इधर भी उल्टा कहावत बोलता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ तू समझ गया ना यार। बस हाँ मैं समझ गया। आपको नहीं मालूम है इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत ही बड़े आदमी का दामाद है। कभी पेपर में फोटो छप गया ना तो बहुत ही लफड़ा हो जाएगा। और गाड़ी तो ये चला रहा था, मैं तो खाली बैठा था, मैंने तो हॉर्न भी नहीं बजाया। तुम दोनों की यही सजा है,
दो चार दिन जेल की हवा खाओगे ना, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे? हेलो गौतम भैया, आप? हाँ, इधर से गुजर रहा था, सोचा याद दिला दूं। मुझे बराबर याद है भैया, आज आपका जन्मदिन। अरे ये तो अपने भारत साहब हैं। जन्मदिन मुबारक हो भारत साहब। अरे सिकंदर, क्या हुआ गौतम, क्या किया इसने? अरे कुछ नहीं भैया, दोनों ने सड़क पर ट्रैफिक जाम कर दिया था, मोबाइल पर बैठे बैठे दोनों करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे थे। अरे इसका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे गौतम, उस दिन इसी ने तो मेरी जान बचाई थी। बस यूं समझ लो, इसी की बदौलत तुम लोग आज मेरा जन्मदिन मनाओगे। तुम कहो तो मैं इसकी जमानत देने को तैयार हूं। ठीक है भैया, कदम छोड़ दो इन दोनों को। अरे कदम, जल्दी से कदम बढ़ाओ। अबे जल्दी आना ढोलकी का। थैंक यू भारत साहब, थैंक यू, आपको जन्मदिन मुबारक हो। अरे कहां छुपे हो तुम लोग? लगता है इस साल नया नाटक है बच्चों का, सबको ढूंढना भी पड़ेगा। कहां गायब हो गए सब? कम ऑन, कम आउट। संगीता, बंटी, बहुत हो गया, कम ऑन, बाहर आ जाओ। अरे कहां हो तुम लोग? चलो बस बाहर आ जाओ, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। दो मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं केक काट दूंगा। ओके, हेलो। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा अच्छा, तो इस साल मुबारकबाद देने का ये नया तरीका है तुम लोगों का है? बदमाश, तू बोल कहां से रहा है? बोल रहा है तेजा के बिल से मिस्टर भारत श्रीवास्तव, बहुत हो चुका तेरा ये खेल। पापा, अब ये आखिरी खेल मैं खेलूंगा। अगर चालाक बने तो इस चालाकी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी। क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूँ इस बार तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब की बात करो। कल रात रेती बंदर पर मेरा हथियारों से भरा जहाज आएगा, उन हथियारों को तुम खुद अपनी निगरानी में चेक नाके से पार करवाओगे। हरगिज़ नहीं, मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ठीक है, बाजार तो जा सकते हो। तुम बाजार जाकर चार अर्थियों का सामान लाओ और लाशों का प्रबंध मैं करता हूँ। हेलो पापा। बंडी। पापा प्लीज, ये लोग जो कहते वही आप कीजिए। हमें आपका जन्मदिन मनाना है पापा। पापा आपने केक तो नहीं काटा? पापा प्लीज हमें ऐसे ले जाइए। कुछ नहीं श्रीवास्तव साहब, मगर हो सकता है, सोच लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा, ना तुम्हारे उसूल, ना तुम्हारी वर्दी, ना तुम्हारे आदर्श। लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा नहीं है ना सही, पर अपने आदमी पर तो भरोसा है ना। लो सुनो, बात करो भैया। हम सब तेजा के कब्जे में हैं और ये बंटी, रजनी और भाभी की जान खतरे में है भैया। सुन लिया तुमने? अब तुम वही करोगे जो मैंने कहा है। मेरा माल नाके से पार होते ही मेरा आदमी मुझे फोन करेगा, और अगर काम हो गया तो इंस्पेक्टर गौतम तुम्हारे पूरे खानदान के साथ तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये एक नंबर वाले का नहीं, दो नंबर वाले का वादा है। और एक बात याद रखना, हम दो नंबर वाले उसूल और वादे के पक्के होते हैं। May I come in, sir? अब मेहरबानी करके और कोई गलत खबर मत सुनाना मुझे, प्लीज चले जाओ यहां से। I'm ashamed of you. तुम जैसे गद्दार ऑफिसरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। सर, मैं आज अपनी गद्दारी का कर्ज चुकाने आया हूं।
शिकारी ब्रदर्स का हथियारों से भरा जहाज इस बार रेती बंदर पर ही उतरने वाला है। अगर ये खबर झूठी निकली तो आपकी गोली होगी और सीना होगा संपत का। सर, आपकी ईमानदारी, उसूल और आदर्श को देखकर मैंने भी अपने अंदर के गद्दार संपत को खत्म कर दिया है। ये मेरा वादा है सर, बिलीव मी। मिस्टर संपत, जिस ऑफिसर का कोई ईमान या उसूल ना हो उसकी बातें और उसके वादे भी वैसे होते हैं। तुम उन कुत्तों के हाथों बिककर आज फिर मुझे गलत खबर सुनाने आए हो। मुझे मालूम है कि माल नेरल के साहिल पर उतरने वाला है। नहीं सर, नहीं, झूठ बोलूं तो मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम है। प्लीज सर, इस बार तो मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा उन पर किया जाता है जो भरोसे के काबिल हो। जाओ और नेरल की तरफ चलने की तैयारी करो। दिस इज एन ऑर्डर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी? शट अप एंड डू व्हाट आई टेल यू। मगर सर, ये माल रेती बंदर पर उतरने वाला है, ये खबर भी तो आप ही ने दी। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये खबर लीक हो गई है और उन्होंने अपना रूट बदल दिया है। ये खबर मुझे उनके जहाज के कप्तान से मिली है जो हमारा खबरी बन चुका है। अब वही करो जो मैं कह रहा हूँ, सारी सिक्योरिटी को नेरल की तरफ लेकर जाओ। लेकिन सर। टिमेलो, दिस इज एन ऑर्डर। ओके सर, ओके। हेलो, हेलो मिस्टर सिन्हा। कैप्टन डिमेलो स्पीकिंग। सारे बोटों को नेरल की तरफ मोड़ दो, रात तक हमें वहां पहुंचना है। क्विक। ओके सर। तेजा स्पीकिंग। तेजा सेठ, आप उनका काम हो गया है। उस ऑफिसर को फोन दो। हाँ। थैंक यू मिस्टर भारत श्रीवास्तव, थैंक यू। आप घर पहुंचिए, आपके घर पहुंचने से पहले आपके बीवी बच्चे वहां होंगे। ठीक है। पाकिया, छोड़ दो इन्हें। बंटी, बंटी, संगीता, बंटी, गौतम आ गए लगता है। बंटी, 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 संगीता। ऑफिसर, देख लिया ना तुमने अपनी चालाकी का नतीजा। तुमने हमारा माल रास्ते में ही पकड़वा दिया, हमने भी अपना काम रास्ते में ही तमाम कर दिया। जिस तरह कानून की दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह जुर्म की दुनिया के भी कुछ उसूल हैं। मेडल और तरक्की तो तुम्हें बहुत मिल जाएगी, मगर जब अपने बिछड़ते हैं ना पट्टी, तो कभी नहीं मिलते, कभी नहीं। चिताओं
आइए तेजा साहब आइए, देखिए ना आपका काम इन वर्दी वालों ने पूरा कर दिया। भारत श्रीवास्तव ने जितने भी आपके हथियार पकड़े थे उनके जगह पर नकली और खिलौने वाले हथियार इस टेम्पो में रखवा दिए हैं, और इस टेम्पो के असली हथियार उस टेम्पो में रखवा दिए। अब आप जब चाहें इन हथियारों को कहीं भी ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर खड़के, तुमने हमारा ये काम करके केस को एकदम कमजोर कर दिया है। बेचारा भारत श्रीवास्तव आग से भी ज्यादा गर्म था, मगर अपने परिवार की चिताएं जलाकर राख से भी ज्यादा ठंडा हो गया। श्रीवास्तव तुम यहाँ? एक पुलिस वाला जब अपनी वर्दी के वकार को भूलकर कुत्ता बन जाता है तो वो कैसे दुम हिलाता हुआ तेजा जैसे गद्दारों के तलवे चाटता है, मैं ये देखने आया हूँ। भारत श्रीवास्तव अपनी औकात में रहो। चिल्लाओ मत, मेरी औकात इस्तीफा दे देने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब मैं एक आजाद शहरी हूं, और एक आजाद शहरी की ताकत लीडर कमिश्नर गवर्नर की ताकत से ज्यादा होती है। अरे जब बदन पर वर्दी की ताकत थी तब भी तुम कुछ नहीं कर पाए, और अब लाचार और बेबस शहरी बनकर क्या कर लोगे मिस्टर भरत श्रीवास्तव? वर्दी मैंने बदन से इसलिए हटा दी कि तुम जैसे गद्दारों और इस जैसे बिकाऊ अफसरों ने वर्दी को बहुत ही सस्ता बना दिया है। मगर याद रखना, मैं दिल का जला हुआ हूं, तुम लोगों की दुनिया को भी जला के राख कर दूंगा। ये देखो, ये मेरे परिवार की अस्थियां हैं, इनका विसर्जन उसी दिन होगा जब तुम्हारे पूरे परिवार को मैं मिटा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो मिस्टर भारत श्रीवास्तव कि तुम तेजा की क्रोध की आग में चलकर मिट जाओ और तुम्हारी चिता को आग लगाने वाला भी कोई ना हो। तेजा शिकारी, एक चीख से तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी और मेरी दी हुई मौत की दूसरी चीख से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। अपन बरोबर इंक्वायरी किया, सचमुच इस्तीफा दिया वो? हाँ भैया, आजकल वो एमके गांधी हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन बार बार आता जाता है। भैया, इन दिनों वो अपना घर छोड़कर होटल होराइजन के रूम नंबर 504 में ठहरा हुआ है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, मुझे लगता है कि वो हम पर वार करने का कोई खतरनाक प्लान बना रहा है। हसू भाई, उस चालाक चीते को जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं, लगता है उसकी जिंदगी की किताब को जलाना ही पड़ेगा। भाई तुम बोलेगा तो होटल के रूम में आग देके मरवाता मैं उसको। अरे आग क्या भैया, बॉम्ब से पूरे होटल को ही उड़ा देता हूँ ना। भैया रस्ते पे उसका एक्सीडेंट ही करवा देता हूँ। नहीं चिनू, नहीं, हम में से कोई आदमी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला दिल्ली तक पहुँच चुका है। ऊपर से प्रेस वालों ने ये मैटर उछाल कर उसे हीरो बना दिया है।
असु भाई, भारत श्रीवास्तव का अंत किसी ऐसे आदमी से करवाओ कि लोगों को उसकी मौत मौत लगे। ऐसा एक आदमी है मेरी नजर में, पर पता नहीं वो ये काम करेगा कि नहीं। कौन है वो? वेलकम सलीम भाई, वेलकम। जेल से आजादी और नए काम की बोहनी मुबारक हो। नया काम? कौन सा नया काम भाई? इनसे मिलिए, यह है तेजा सेठ के आदमी। सुपारी देने के लिए आए हैं। एक कस्टम ऑफिसर को टपकाना है, माल बहुत मिलेगा भाई। अपुन का नाम सलीम सूरती है। सूरती, शकल से शैतान, कर्म से कुत्ता, इसलिए लोग अपुन को सलीम कुत्ता कहते हैं। कुत्ता, कुत्ते का काटा तो बच सकता है, लेकिन सलीम का काटा कभी नहीं। मैंने कसम खाई है, पहले मैं उस कमीने सिकंदर को सबक सिखाऊंगा, बाद में सब काम। पता करो उसकी चहती नीली आंखों वाली छोकरी कहाँ है, पता करो। डूब गया तेरा आशिक, डूब गया।
तेरा आशिक डूब गया, तेरा आशिक डूब गया, तेरा आशिक डूब गया। सिकंदर, तेरा ए सिकंदर डूब गया। अरे कौन डूब गया रे? तेरा अरे ये अपना घर है, समंदर नहीं गया। सिकंदर कौन है? अबू चाचा। अबू चाचा रोज नए नए सपने देखता रहता है, कभी बंगले गाड़ी की बात करता है, कभी उड़ने की बात करता है, आज डूबने की बात कर रहा है। अबू चाचा आपने वो कहावत तो सुनी होगी, टिनके को डूबते का सहारा। हमेशा उल्टी कहावतें बोलता है। अरे बेटा डूबते को तिनके का सहारा। हाँ वही, आप समझ गए ना बस। हाँ मैं तो समझ गया, लेकिन अब तू भी जरा सुधर जा तो बहुत अच्छा होगा। बेटा छोड़ दे ये उल्टे सीधे सपने देखना। देख कल रमजान का चांद दिखेगा, अल्लाह का नाम लेकर सब बुरे काम छोड़ देगा तो अल्लाह ताला भी तेरी हर मुराद हर सपना पूरा कर देगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि तेरी हिना भी तुझे मिल जाए। आमीन। अबू चाचा खालाजान, खालाजान, खालाजान मुबारक हो, रमजान का चांद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटी, अल्लाह तेरी जिंदगी को खुशियों से भर दे बेटी, और इस चांद से चेहरे को हमेशा हंसता हुआ रखे। आमीन। आओ सिकंदर आओ। चांद मुबारक हो खाला। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। खाला आपने वो कहावत तो सुनी है, जिंदगी लंबी और बोरिंग होनी चाहिए। ओ मुए, लंबी और बोरिंग नहीं, जिंदगी छोटी और हसीन होनी चाहिए। हाँ वही वही, मतलब आप समझ जाती ना बस। और वैसे भी खाला बिना हिना के जिंदगी किस काम की? देख सिकंदर, कल से इबादत का मुबारक महीना रमजान शुरू हो रहा है, तू मेरी एक बात मानेगा? अरे बोलना खाला क्या बात है। कल से मैं तुझे कभी मुए नहीं कहूंगी, और तू कभी झूठी गवाही नहीं देगा। बस खाला इतनी सी बात, हिना ने तुम्हारे असली रूप के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। झूठी गवाही तो क्या, तू जो कुछ कहेगी तेरा ये सिकंदर वैसा ही करेगा। कल से रमजान का मुबारक महीना शुरू होगा, और कल से ही तेरे बेटे की नई जिंदगी भी शुरू हो जाएगी। ए सिकंदर, हिम्मत है तो बाहर निकल। सिकंदर सिकंदर, अब ये दरवाजा कैसे भी बंद कर ले, लेकिन आज ये सलीम कुत्ता अपनी काटी हुई सजा का बदला गेंद गेंद के लेगा। निकाल अपना टेप रिकॉर्डर। अरे उस दिन तो मैंने ऐसी वैसी लड़की की इज्जत लूटी थी, लेकिन आज आज तेरी वो नीली आंखों वाली पुलपुल की इज्जत की धजियां उड़ा दूंगा, और वो भी तेरी नजरों के सामने। तोड़ डालो साले की हड्डियां, ताकि याद रखेगा कौन है सलीम कुत्ता। दादा कौन हो तुम? अरे बाकी कहाँ जाएगी? Oh,
करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देख सकेगी ना, वो ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आप इतने खामोश क्यों डॉक्टर साहब? देखो उसके चेहरे पर मामूली चोट आई है, वो ठीक हो सकती है, लेकिन हिना की आंखें बुरी तरह से झुलस गई हैं और इसका ऑपरेशन यहाँ का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। तो फिर हिना, तुम बहुत तकदीर वाले हो, जो डॉक्टर इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए सारी दुनिया में मशहूर है वो डॉक्टर जॉनसन इस वक्त एक सेमिनार अटेंड करने के लिए लंदन से यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, हिना का ऑपरेशन उनसे ही करवाइए, ये गरीब आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। देखो सिकंदर, इस तरह के सेंटीमेंट से एक हिंदुस्तानी पिघल सकता है, विदेशी नहीं। और डॉक्टर जॉनसन बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, उनके चार्जेस में और यहाँ के चार्जेस में बहुत ही फर्क है। और फिर वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में मांगेंगे जिसकी कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया हो सकती है। कुछ भी हो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर जॉनसन से बात कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, पैसे मैं ले आऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर हिना की आंखें आप वापस लौटाइए। We will try our best। तेरे मेरे गुनाहों की सजा उस फूल जैसी बच्ची को मिली जिसने अभी तक जिंदगी की कोई बहार भी नहीं देखी। उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया सिकंदर, उजड़ गई उसकी दुनिया। नहीं खाला नहीं, मेरे जीते जी हिना की जिंदगी को मैं उजड़ने नहीं दूंगा। मत छू मुझे, चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी सिकंदर, मैं तेरे गुनाह कभी नहीं बख्शूंगी। मुझे मेरी बच्ची की आंखें वापस चाहिए, वरना मैं रोजे महशर में खुदा के सामने तेरा गिरेबान पकड़कर खुदा से इंसाफ मांगूंगी और चीख चीख कर कहूंगी कि यही है मेरी मासूम बेटी की आंखों की रोशनी छीनने वाला, उसकी दुनिया उजाड़ने वाला, यही है गुनहगार, यही है। काला, तूने वो कहावत तो सुनी होगी? नहीं सुनी है मुझे तेरी उल्टी सीधी कहावत, चला जा यहाँ से। सिकंदर आज उल्टी नहीं सीधी कहावत सुनाएगा खाला, वो कहावत तो सुनी होगी, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। तेरा ये सिकंदर तुझसे वादा करता है कि वो अपने आप को बेचकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हिना की आंखें वापस लौटाएगा, इंशाल्लाह। हसु भाई, मुझे बहुत सारे रुपए की जरूरत है, मुझे अपनी हीना की आंखें वापस लानी है, कुछ भी करो। अरे सिकंदर भाई, काम के लिए तो मैं तुम्हारे को ढूंढता इधर आया हूँ, अने रुपए भी लाया हूँ, पर काम थोड़ा टेढ़ा है। मैं अपनी जान देकर भी हीना की आंखें वापस लौटाना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ तुम काम बताओ और माल। हाँ माल छे ना, अरे तो मेरे लिए तो लाया हूं,
ये रहा एडवांस, अने बाकी काम होने के बाद करना क्या होगा? जो करना है वो सारा प्लान इसमें लिखा है, अने जिसके साथ करना है वो खिलौना ये रहा। हिना, हिना बेटी, बेटी बाहर आ, देख, हिना बेटी। क्या हुआ अबू चाचा? ईद का चांद दिख गया। चांद दिख गया? वो देख तेरे सामने, वो पेड़ के ऊपर, वो देख, देख एकदम बारीक और थोड़ा टेढ़ा सा भी है, देख, देख तेरे सामने, देखा? मगर अबू चाचा, मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं तो अल्लाह, मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे मुझे। चांद की खुशी में मैं भूल ही गया था कि अबू चाचा, क्या मैं कभी देख नहीं सकूंगी? हिना, तू देखेगी, जरूर देखेगी। सिकंदर। हाँ हीना, तेरी आंखों के ऑपरेशन का सारा बंदोबस्त कर दिया मैंने। अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों बाद ये पूरी दुनिया देख सकेगी। आमीन। अल्लाह करे तेरी जुबान सच हो। क्यों ना हो, हॉस्पिटल में मैंने सारे पैसे जमा करा दिए। ये देखो, ये रसीद। कल ही हीना को हॉस्पिटल में भर्ती कर देना है, कुछ ही दिनों बाद इसका ऑपरेशन हो जाएगा और चाचा उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा चाचा। लेकिन बेटा, इतने इतने सारे पैसे तू लाया कहां से? कहीं इस काम के लिए तो कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो तुझे नहीं करना चाहिए? नहीं चाचा, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। चाचा, वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसका सब कुछ होता है उसका खुदा नहीं होता। हमेशा उल्टी कहावतें बोलता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। आप समझ गए ना? बस सुना चाचा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ बेटा, मैं नमाज पढ़कर आता हूं, तू हिना बेटी को अंदर ले जा। हाँ चाचा। सिकंदर, तू चाचा को झूठ बोलकर समझा सकता है, मुझे नहीं। सच सच बता सिकंदर, तुमने मेरे ऑपरेशन के लिए कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया ना? हिना, तेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए अगर कोई मेरी जिंदगी भी मांग ले तो वो भी बहुत कम है। अरे मैं तो बहुत सस्ता सौदा करके आया हूं। We'll be right back.
छोड़ दिया बाबा, छोड़ दिया यार, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ये साउंड प्रूफ है। बुलेट प्रूफ भी है। ये खिड़की और ये दरवाजा सिर्फ इस रिमोट से खुल सकता है, और जान मेरी ये तो इतनी सुनसान जगह है कि यहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। अरे अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हेलो भैया। भैया नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ जिसके पास तुम्हारी कार का रिमोट कंट्रोल है। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, जीनू के बच्चे, अब तुम्हारी सांसें सिर्फ चंद मिनटों तक चलेंगी। नीचे देखो, ये वो जहरीली गैस है जो सिर्फ दो मिनट में तुम्हारी जान ले लेगी। किसी ने ये फ्लावर भेजे? पढ़ो। ये हमारी ओर से चीनू को श्रद्धांजलि, ऐसे ही फूल मैं तुम्हारी लाश पर भी भेजूंगा, मगर अफसोस तुम ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। आगे पढ़ो। तीन का नंबर भी नहीं डायल करूंगा। तुम सब की मौत की लोरी मैंने तैयार कर ली है, सिर्फ सुनाकर सुलाना ही बाकी है। खत्म कर दूंगा मैं तुम्हारे काले साम्राज्य को। नहीं! ये हमारा नया दुश्मन कौन पैदा हो गया है? हेलो, क्या हुआ टीनो? कातिल का कुछ पता चला? कुछ नहीं भाई साहब। जब से मैंने चीनू की मौत की खबर सुनी है, मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। मैं चैन से तब सो सकूंगा जब तुम लोग उसके सर को धड़ से अलग कर दोगे। चीनू, चीनू मेरा भाई, ये क्यों हो गया मेरा भाई? ये रो कौन रहा है? पप्पू रो रहा है भाई साहब। पप्पू से कहो हमारे धंधे में आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। आंसू
कायरों की निशानी है। उससे कहो उसे पहुंच डाले और परसों जिस ड्रग्स की डील में चीनू यहां आने वाला था उसकी जगह पर पप्पू को भेज दो। मिस्टर पी शिकारी। हाँ मैं। योर टिकट सर। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। मे आई हेल्प यू? गुड इवनिंग। योर सीट। इट्स ओके। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्लीज बी सीटेड। सिगरेट। हेलो। थैंक यू। वेलकम। लगता है आपको किधर तो देखा मैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी को कहीं ना कहीं तो देखता ही है। अच्छा बोला, अच्छा बोला तुम। किधर जाता है तुम? दिल्ली। दिल्ली। ये होपिंग फ्लाइट का यही फायदा है। दाम भी कम और सफर भी ज्यादा। होपिंग फ्लाइट के और भी कई फायदे हैं मिस्टर पप्पू। पप्पू शिकारी। शिकारी। यात्री कृपया ध्यान दें, आप सबका इस फ्लाइट पर स्वागत है। हम इस समय उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी कुर्सी सीधी रखें, मेज बंद करें और कुर्सी की पेटी बांध लें। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये यात्रा सुखद होगी। धन्यवाद। Would you like a soft drink? Thank you. How about you, sir? Would you like some soft drink? No, thanks. Huh? Would you like something? जी नहीं, thank you. अगर हो सके तो मेरे को एक कंबल और एक तकिया दे दें और मेरे को डिस्टर्ब ना करें। मैं बहुत गहरी नींद सोना चाहता हूँ। जी थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, योर ब्लैंकेट। थैंक यू। वेलकम। पहुंचने वाले हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। धन्यवाद। नमस्कार। जीए एयरलाइंस की उड़ान 407 पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दिल्ली से शारजा की यात्रा 3070 किलोमीटर की है, जिसे हम 3 घंटे और 20 मिनट में तय करेंगे। क्या बात है अजरा, मुझे क्यों बुलाया? पप्पू कहाँ है? सर वो देखिए।
लगता है पप्पू भैया पहुंच गए, देखता हूं मैं। हाँ पप्पू भैया पहुंच गए। नहीं टीनो, मैं धर्मा बोल रहा हूं। पप्पू को किसी ने प्लेन में ही खत्म कर दिया। क्या? नहीं भाई साहब नहीं, इम्पॉसिबल। क्या हुआ भाई साहब? हिंदुस्तान में हमारा कोई दुश्मन पैदा हो गया तेजा। 15 दिन में उसने हमारे दो दो भाई छीन लिए। दोनों भाई? हाँ तेजा, पप्पू भी। पप्पू? क्या बात है तेजा भाई? उस कमीने ने पप्पू को भी प्लेन में खत्म कर दिया। क्या भैया, अब उसकी जिंदगी हमारी मौत बन सकती है। नहीं, इससे पहले मैं उसकी जिंदगी को मौत के कुएं में धकेल दूंगा। वो जो सिंगापुर का काम हुआ कि नहीं? हाँ जी। धर्मचंद स्पीकिंग। भाई साहब मैं तेजू बोल रहा हूँ। मैंने प्लेन के सारे पैसेंजर्स की इंक्वायरी करवाई है, उसमें हमारा कोई भी दुश्मन नहीं। तो भाई साहब आपको याद होगा पप्पू के पास एक सोने का लाइटर है, उसमें माइक्रो कैमरा फिट है और उसकी आदत रही है कि वो मिलने वाले हर अजनबी की तस्वीर सिगरेट जलाने के बहाने खींच लेता था। अगर कातिल उसकी बगल की सीट में बैठा पैसेंजर है तो पप्पू ने उसकी तस्वीर जरूर खींची होगी। लाइटर तो मिला है उसकी जेब से। अगर तुम्हारा शक सही निकला तो 2 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें फैक्स पर उसकी तस्वीर मिल जाएगी। भारत श्रीवास्तव, मैंने कहा था ना सु भाई कि इस कमीने का तुम कच्चा इंसान मत समझो। मगर भैया। मगर कुछ नहीं टीनू, उस डॉक्टर को उठाओ जिसने भारत श्रीवास्तव की बॉडी का अंतिम संस्कार किया था। लाइट्स ऑफ। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो। यस, गुड गुड। अबू चाचा मैं देख सकती हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है अबू चाचा, मैं देख सकती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भारत श्रीवास्तव जिंदा है या नहीं? नहीं बताऊंगा। अबे तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा? यहाँ पर गूंगे भी जबान खोल देते, समझे? छोड़ दो। वो जिंदा है, उसको मारने का प्लान तुम्हारा नहीं था, बल्कि उसने अपने आप को मरवाने का प्लान खुद बनाया था। क्या बकवास कर रहा तू? ये बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूं। वो तुम्हारे उठने वाले हर कदम को जानता है। जब उसे पता चला तुमने पुलिस और कानून को खरीद लिया है, तब तुम लोगों से बदला लेने के लिए उसने अपने आप को पुलिस और कानून की नजरों में मार डाला। वो जानबूझकर अपना घर छोड़कर होटल में रहने लगा ताकि तुम लोग उस पर शक करो और उसके कत्ल का इंतजाम करो। तो फिर सिकंदर ने जिस पर गोलियां चलाई वो कौन था?
मुर्दा था वो, लावारिस लाश थी जिसे मैंने भारत श्रीवास्तव का मास्क पहनाकर होटल के रूम में बैठा दिया था। मिस्टर तेजा शिकारी, तुम अपने आप को सबका बाप समझते हो ना, लेकिन भारत श्रीवास्तव तुम सबका बाप है, तुम सबका बाप। You bastard! हेलो हसू भाई, अब हमें कौन सा खेल खेलना है ये तुम कान खोल कर सुन लो। अरे सिकंदर भाई, मैं तो मेरे को साची बात कह रहा हूँ, हीना अब देख सकती है। हसू भाई, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, ऊपर वाले के घर अंधेर है देर नहीं। अरे यार, हमेशा आवत बोलता है। ए भाई, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, समझी गए हो? आप समझ गए ना सुबाई, बस। अरे उसने तमेरी तकदीर का दरवाजा भी खोल दिया सिकंदर भाई, हवे तो बस ताले को चाबी लगाने की देर है। क्या मतलब? अरे मतलब सु, जिसके खून के जुर्म में तुम यहाँ सड़ रहे हो ना, वो बाहर जिंदा घूम रहा है। क्या बकवास करते हो यार, मैंने खुद उसे अपने हाथों से गोली मारी थी। अरे हाँ हाँ ठीक छे भाई ठीक छे, पर जिस पर गोलियां चलाई थी ना वो भारत श्रीवास्तव नहीं था। फिर? वो तो एक लाश थी, एक मुर्दा था जिस पर भारत श्रीवास्तव का मास्क पहनाया गया था। अने अपने आप को मरवा के तमेरे को फंसाने की खूबसूरत साजिश पर उसी ने की थी। यही तो है ताला चाबी का खेल, समझी गए ना सिकंदर भाई। उसको पकड़ के कानून के हवाले कर दे, मेरी तकदीर का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। चिल्लाओ सुबाई, चल दरवाजा खोल जल्दी। साले एक खून की सजा भी फांसी होती है, दो खून की सजा भी फांसी। चल जल्दी खोल, चले शायद जल्दी खोल। चल अंदर जा, चल अंदर जा, लॉकर पे चल। ये चले जल्दी बंद कर उसको, चल। भागता किधर है? हवलदार पकड़ो इसे। ए बहादुर, मेरे लिए कोई फोन आए या मुझसे कोई मिलने आए तो बोल देना मैं नहीं हूं। हाँ, और जब तक मैं खुद नहीं जागूं मुझे जगाना मत, समझा? अच्छा साहब, अच्छा हुआ, अब मैं आराम की नींद सो जाऊंगा। श्रीवास्तव, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता मैं कानून तो क्या, अपने आप को मौत के हवाले भी नहीं करूंगा। तुम मौत को धोखा दे सकते हो मगर सिकंदर को नहीं, मैं तुम्हें कानून के हवाले करके रहूंगा। ये
गए ना धर्मा शिकारी की तस्वीर को देखकर? इन मालाओं पे मत जाओ, धर्मा शिकारी अभी मरा नहीं है। वो आज भी विदेश में रहकर अपना काला धंधा चला रहा है, दुनिया को धोखा देकर जी रहा है। इसने मेरे अब्बू, मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया, मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मा ने तुम्हारे सर से माँ बाप का साया छीन लिया और उसके इन भाइयों ने मुझसे मेरा घर परिवार। ये तो शिकारी ब्रदर्स हैं। इनके कहने पर तो मैंने तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही दी थी और मुझे जान से मारने को भी तैयार हो गए थे। ये है शिकारी ब्रदर्स का सबसे बड़ा भाई धर्मा शिकारी। हम दोनों की बर्बादी का जिम्मेदार है पूरा शिकारी खानदान। टीनू और पप्पू को तो मैंने खत्म कर दिया है। आज टीनू को यहां मारने आया था और मिल गए तुम। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं पुलिस कस्टडी से भागा और सीधा तुम्हारा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। और यहां के पता चला हमारे जीने का मकसद एक ही है। जब हमारे जीने का मकसद एक ही है, मंजिल एक ही है, तो फिर इस एक ही लहू के दो रंग क्यों हैं? एक खरा तो दूसरा खोटा क्यों है? एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान क्यों है? एक दोस्त तो दूसरा दुश्मन क्यों है? भारत साहब, शिकारी ब्रदर्स ने मुझे अपना मोहरा बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। आज के बाद लहू के ये दो रंग एक रंग में रंग जाएंगे और वो रंग होगा इंतकाम का रंग। भैया 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 गजब हो गया भैया, हमारा सारा प्लान फेल हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे दोनों दुश्मन एक हो गए। कौन दुश्मन टीनू? वही भारत श्रीवास्तव और सिकंदर। अरे सू बात करो छोटीनू भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आसू भाई, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। फार्म हाउस में शायद मुझे मारने के लिए भारत वहां पर आ गया और भारत को खत्म करने के लिए सिकंदर वहां पर पहुंच गया, लेकिन भाई साहब की तस्वीर देखकर सारा प्लान उल्टा हो गया। अब उन दोनों ने मिलकर हम लोगों को मिटाने की कसम खाई है। पर सिकंदर ऐसा करेगा ही क्यों? क्योंकि उसे इस बात का पता चल गया है कि उसके बाप डीसीपी खान को भाई साहब ने ही मारा था और उसे यह भी मालूम हो गया है कि भाई साहब जिंदा है। तीजा भाई, आ तो लेने के देने पड़ गए। मुझे लगता है हमें तो यहां से भागना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो हसू भाई? शिकारी ब्रदर्स ने कोई चूड़ियां पहन रखी है? तुम ठीक कह रहे हो तेजा। अगर तुमने डर कर हिंदुस्तान छोड़ दिया तो हमारा ये काला साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जब मैंने हिंदुस्तान छोड़ा था तब हम कमजोर थे, लेकिन आज हम इतने ताकतवर हैं कि हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो फिर ये दो लौंडे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। तुम पप्पू के तेरवे की तैयारी करो, उसके हवन की आग से हम दुश्मन की चिता जलाएंगे। कौन किसकी चिता जलाता है ये तो वक्त ही बताएगा। सिकंदर ये देखो, ये उस जगह का नक्शा है जहां पप्पू शिकारी का तेरवा होने वाला है। ये सारी प्रॉपर्टी करीब 100 एकड़ में फैली हुई है, चारों तरफ घना जंगल है। पहुंचने का जो रास्ता है वहां पर इतने सारे चेक पोस्ट हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पहुंचने के लिए हमें जंगल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम रात को 12 बजे के बाद निकलें तो सुबह होने तक हम वहां पहुंच सकते हैं। हथियारों का इंतजाम हो गया है और मेरा एक और आदमी आता होगा जो कुछ और हथियार लेके आ रहा है। लगता है आ गया। खुद को मरवा कर पुलिस को चकमा देने का तुम्हारा एक खेल खत्म हुआ भारत श्रीवास्तव। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। मगर अब अगर मगर जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर, घर की तलाशी लो। यस सर। सर, हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, यहाँ और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो चलो। Thank you.
स्वाहा स्वाहा प्रेत मोक्षाय प्रदो भय स्वाहा नश्यन्ति गोविंदम नैशाम स्वाहा विद्यत अद्यन्तम स्वाहा संगतम अगातीतम सर्विदेतम यतात महा स्वाहा नीन तर्पणानार्थम द्वेत मोक्ष ये तो नहीं आया अभी आता ही होगा भाई साहब किसने की तेरी ये हालत मैंने की है इसकी ये हालत और अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो ये रिमोट दबा के तीनों की भुर्जी बना दूंगा तेजा तुमने वो कहावत तो सुनी होगी पानी का काटा सांप नहीं मांगता उल्टी कहावत बोल रहा है सांप का काटा पानी नहीं मांगता हाँ वही वही तुम लोग समझ गए ना बस वही तेजा कौन है ये कुत्ते की औलाद नहीं शेर की औलाद शेर की डीसीपी खान का खून हूं मैं धर्मा मैं तुझ जैसा नामर्द नहीं जिसने मेरे माँ बाप पर पीछे से वार किया था मर्दू सामने से वार करूंगा तेरे बाप के पास वर्दी की ताकत होते हुए भी मुझसे टक्कर ना ले सका तो तू क्या लेगा लौंडे धर्मा से टकराना तेरे बस की बात नहीं सामने देख देखा ये पुलिस वाले असली नहीं नकली है नकली जो वर्दी वाले हमसे टकराने की कोशिश करते हैं वो इसी तरह कुत्ते की मौत मरते हैं एक दिन इसने मेरे भाई के गले में बम वाला हार डालकर हमारा माल उड़ाया था आज इसके गले में मैंने बम वाला हार डाला है और इसे जब चाहे उड़ा सकता हूँ मैंने कसम खाई है कि मेरे भाई के हवन की आग से तुम दोनों की चिता जलाऊंगा अगर भारत की जिंदगी चाहते हो तो रिमोट मेरे हवाले कर दो नहीं सिकंदर नहीं मेरी परवाह मत करना इन कमीनों को आज यहीं मिटाना है चाहे कुछ भी हो जाए रिमोट कंट्रोल मेरे हवाले कर दो सिकंदर अपना आदमी उसका साथ दो Come on!
हे सुख राम। मैं मौत को धोखा देकर जीता रहा, वो मकसद पूरा हो गया। नहीं, अब मुझे मौत का कोई गम नहीं। सिकंदर, सिकंदर, याद रखना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। भारत साहब, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सरकारी अफसरों को मौत के घाट उतारने वाले, हथियारों से पूरे समाज में आतंक फैलाने वाले गद्दार और देशद्रोहियों को खत्म करके सिकंदर ने पुलिस और कानून का साथ दिया है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सिकंदर खान को बाइज्जत बरी करती है। मुझे पूरी उम्मीद थी चाचा कि सिकंदर छूट जाएगा। ये सब अल्लाह का करम है बेटा। अरे सिकंदर दवाई, सिकंदर कमाल हो गया पापा। सिंधी पापड़, आज से ये सिकंदर कोई उल्टा काम नहीं करेगा। अरे पापा, अभी उल्टा काम करने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं अपने वादे के मुताबिक तेरे लिए आधा खोखा 50 लाख रुपया लेकर आया हूँ।
पचास लाख मेरा ससुर गुजर गया नी गुजर गया आज से मैं करोड़पति तू लखपति तेरा पैसा इधर है पचास लाख रुपया वो कैसे दे देना हाँ कब्रिस्तान में आके ले जाना मेरा पैसा देखा सिकंदर तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना असत्यमेव जयते अरे बेबी तू ये उल्टे के साथ अड़े कर उल्टा बोलने लगी कोई बात नहीं दोनों उल्टे होंगे तो संसार उल्टा चलेगा बड़ी बेबी असत्यमेव जयते नहीं सत्यमेव जयते ओ सिंधी पापा तू समझ गया ना बस बहुत हो गया आप लोग भी समझ गए ना तो फिर गाओ मेरे साथ मुझे पैसा मिला यार ऐसा मिला अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी मुझे पैसा मिला